एक बार बोलेंगे तो अलग रहेगा कि पहाड़ पड़ रहे हैं। जब बोलेंगे ओम राष्ट्राय स्वाहा, बोलते हैं स्वाहा, कराते हैं इदम राष्ट्राय इदं नमः इदं राष्ट्राय इदं नमः। हम बोलेंगे मेरा यह जीवन राष्ट्र के लिए है, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं माँ धरती माँ भारती का खोया हुआ गौरव और जीवन को राष्ट्र यज्ञ में आहूत कर दूंगा। योग शक्ति से आत्मशक्ति एवं राष्ट्र भक्ति को प्राप्त होकर मैं संकल्प लेता हूँ मेरा यह जीवन अब राष्ट्र के लिए है। मैं संकल्प लेता हूँ कि योग से स्वधर्म एवं राष्ट्र धर्म जगाकर मैं भारत को फिर से विश्व गुरु बनाऊंगा। ये संकल्प तो हिंदी में ही था, इसका अर्थ भी समझ ही रहे थे आप लोग बोलते समय। इन संकल्पों को उतार करके मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए आहूत कर दिया। किसके लिए? अब मेरा उठना बैठना सोना जगना पढ़ना लिखना किसके लिए हो रहा है? सब जाकर के राष्ट्रीय भावना जगे और हम राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। समझ गए? अभी सारे लोग केवल अपने लिए जी रहे, किसके लिए? और जीना कहाँ है? समाज में। चाहे मैं स्वार्थी रहूं चाहे निस्वार्थ रहूं, रहेंगे कहाँ पर? समाज में। समाज का वातावरण गंदा हो जाए तो उसके छींटे हमारे ऊपर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। तो हमको खुद को पवित्र करके